हाय, अरे सॉरी सॉरी, हाय टुंडा भाई कैसे हो? सुबह से लाइट गई थी क्या? टाइम पे आई? आज सुबह से लाइट गई थी जिसके वजह से भाई मैं टाइम पर उठ गया और अभी जिम जाने के लिए रेडी हो रहा। 11 बजे सर आते हैं और हम लोग वर्कआउट करते हैं, 1 बजे तक कैसे भी समाप्त करने का देखते हैं ताकि पूरा दिन मिल जाए और वर्कआउट बोलते हैं ना अपना बाकी काम भी निपटा सके। नहीं तो क्या हो रहा था कि 1 बजे पहुँच रहे, 3 बजे तक कर रहे हैं, 4 बजे घर पर आ रहे हैं, खाना खाते खाते सब 5 बज जा रहे हैं, पूरा दिन वेस्ट। सोचा था जिम में वर्कआउट वीडियो शूट करूंगा पर सर ने वर्कआउट ही ऐसा करा दिया कि हाथ ही नहीं उठाओ, और 2 दिन पहले मसाज भी कराया था तो बच गई मेरी पूरी पैंट। और दोपहर से जो घर पर आया हूँ भाई, खाना खा के जो लेटा हूँ मैं, अब तक दुख रहा है बॉडी, क्योंकि मसाज के बाद है ना 2 दिन तक मेरी बॉडी ऐसी ढीली हो गई थी और आज वर्कआउट के बाद तो मुझे क्रैम्प पे क्रैम्प आ रहे और मतलब हाथ नहीं उठ रहा अब तक मेरा। तो ये गेनिंग जो फेज था मेरा ख़त्म हो चुका, आज आखिरी दिन है, खत्म। अभी 10-15 दिन का ब्रेक लेंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे अपन कटिंग फेज में। कटिंग फेज चलेगा कुछ 3 महीने, उसके बाद फिर रीएडजस्टमेंट होगा, फिर उसके बाद बॉडी को वैसे करके जो भी होगा आगे बता दूंगा। फिलहाल तो अभी जो 10-12 दिन की जो छुट्टी मिल रही है उसको थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो हार्डशिप आने वाली है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत लगने वाली है, क्योंकि खाना पीना सब कुछ इतना सब हो जाएगा। अभी ये दोनों तो निकल गए, मैं भी जा रहा हूँ अपने दोस्त को मिलने के लिए। थोड़े दिन पहले मतलब 2 वीडियो पहले मैंने बताया था कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए आसपास, मतलब गौरव की मम्मी का ऐसा हुआ, बाद में मेरा दोस्त का हाथ टूट गया था, तो उसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जिसका हाथ टूटा है, एंड ही इज नन अदर देन उबैद भाई। अपने उबैद भाई का हाथ टूटा है, वो भी राइट वाला हाथ टूटा है। वो कैसे टूटा है मैं उधर जाके बताता हूँ, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ और भाई निकल चुके हैं वहाँ से, मेट्रो पकड़ के आ रहे हैं तो मुझे मेट्रो के नीचे से ड्रॉप उनको पिक करना है, तो मैं निकलता हूँ। हाय, अरे सॉरी सॉरी, हाय टुंडा भाई कैसे हो? अभी हम लोग रुके हैं वर्सोवा में, मैं और उबैद भाई, और वेट कर रहे बासित का और कलीम का। कलीम तो बस पहुंचता होगा, चल के आ रहा है, मेट्रो पकड़ के आया था। बासित भी बस पहुंच ही रहा है। अभी आने का रीज़न देखो यहाँ पे क्या है, खाना। हम लोग आजकल ना तभी मिल रहे जब कोई ना कोई खिला रहा हो, उसके बिना हम लोग मिल नहीं रहे। क्यों भाई साहब? भाई थाने से यहाँ सिर्फ खाने के लिए आया है, खाने के लिए। हाथ टूटा है फिर भी खाने आऊँगा। ये क्या है? इसे हाथ से मारूं, स्टील बॉडी है। टुंडा भाई कैसे टूटा? कैसा कैसे टूटा? कैसा भाई साहब हरकत मत करो, वापिस करेगी वही हाथ में बोला ना, स्कूटी से गिर गया भाई। बंदे के पास 2 सुपर बाइक, 1 एडवेंचर 390, फिर भी ऑफिस की डीओ लेके गिर गए। गिरे भी नहीं है साहब, कुछ तो बताया, ऐसा ऐसा हुआ, ब्रेक मारा, टायर घूम गया, ऐसा गिरे भी नहीं, मतलब एक टांग पे ऐसा खाली टिके, पर जोर की आवाज़ है, इनको लगा बाइक की है, हॉक करके आवाज़ आई, उठे तो ऐसा हाथ ऐसा झूल रहे। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? आ गया कलीम, आ रहा है अभी। और ये बाजू में जो मशरिक मंदी और जो मंदी है, यहाँ पे हम लोग जाने वाले खाने के लिए, और वहाँ पे देखो रील चल रहा है। आ गया, वहाँ पे रील शूटर है और जो मंदी के लिए टहना हो टहने हो। इधर आ रहा है, मैं आओ, इतना क्या टाइम लगाया भाई चल के आने में? चल के आ रहा है, थक गया ना। इधर ये बाजू में ही है, कुछ पिलाना भाई? क्या लिया ले, शुक्रिया भाई। हम लोग जा रहे हैं मशरिक हाउस ऑफ मंदी, ये प्लेस है, सिर्फ खाने के लिए आता है बस, ऐसा मिलने बोले तो नहीं आएगा कोई। क्या बोलते हैं? हावड़े हावड़े। और ये आ गई भाई की गाड़ी, हाँ कैसे मुंह काला करके आ रहा है पक्का। गाड़ी पे जो धूल है ना इतनी सारी, उससे ही समझ में आ रहा है ये जिम जा क्यों रहा है, जब पतला नहीं हो रहा है तो। ये मोटा बैट्समैन है। क्या बात है बैट्समैन, तुम बैटमैन नहीं तुम बैट्समैन हो। अच्छा देखा मेरे को इतना ठंडा रिस्पॉन्स,
भाई का नाम है टुंडा भाई। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ए भाई, ए। क्या? ओ, क्या दिख रहा है? क्या आ रहा है? भाई को अच्छे से ले गया। पकड़ पकड़ पीछे से पकड़। ओ, पर्दा हटे तो हम भी अंदर जाए। जो बाजू में बैठेगा उसको खिलाना पड़ेगा उबेद भाई को। खिलाएगा ना? मैं भी खिलाऊंगा। सब खिलाएंगे। बल्लू पता है ना? चट्टी चट्टी बंद था। बल्लू पता है कैसे गिरा भाई? बल्लू? अरे वेलकम पिक्चर में बोलता है ना, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है? कैसे हुआ बताओ? हादसा क्या हुआ बताओ? अभी बता दो उसको। देखो कैसा था? अरे बताओ ना। मेनू को मतलब इतना मेहनत तो बासित भाई बाइक की और जॉब लगने की खुशी में आज पार्टी दे रहे। जो वादा था वो आज पूरा कर रहे फाइनली। और जहाँ पे हमको खाना लेके आया भाई का नाम पहले देखो, पहला नाम वही है मंदी बासित। आज से तेरा नाम मंदी बासित, मतलब एम की जगह आर लगाऊंगा वो अलग है। उबेद भाई ना हम लोग को कब से बता रहे थे कि कैसा हुआ क्या हुआ। पर सबसे फनी सीन क्या पता है क्या? हॉस्पिटल गए, एक्सरे निकाला तो उसमें ना दो हड्डी निकली। यहाँ दो हड्डी कलाई के नीचे दो हड्डी होती है भाई बोलते हैं। अरे मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि तो दो हड्डी होती है घर में। तुमको पता नहीं था आज तक दो हड्डी होती है वहाँ पे? टूटने के बाद ही मालूम पड़ा। तो वहाँ पे भी हड्डी लगती है। कहाँ पे? इधर पे। बस अश्लील बातें करने लग गए आजकल। मंदी बासित नहीं जा रहा अश्लील था। मंदी बासित है ना वो। छी क्या भाई, किधर गया था तू? इतना लेट क्यों है? हाँ कुछ तो कर रहा था। फिल्टर थका भी लग रहा है। वो काम था ऑफिस में। ऑफिस छुट्टी ना तेरी आज? छुट्टी के दिन मंडे को कैसे? मंडे को तेरी छुट्टी रहती है? हम लोग को सब मालूम। सब मालूम हम लोग को है कि नहीं? सच्ची बोल, सच्ची बोल। बहुत काम था तो स्टार्टर में हम लोग खा रहे हैं सीख। अपन चारों कितने टाइम के बाद मिले? कभी मिले थे? अरे कुर्ला में मिले थे ना भाई? कभी चारों का मिले थे? चारों भी मिले थे ना भाई कुर्ला में? खाए थे ऊपर 2 बजे खाए थे, 2 बजे खाए थे। अरे हाँ, 1 महीने के ऊपर हो गया ना। हाथ टूटते रहेगा तो मिलते रहेंगे। ऐसा कोई गाड़ी लेते रहेगा? हाँ कोई गाड़ी लेते रहेगा तो भी मिलते रहेंगे। हाँ वापस बोलो क्या? इट्स व्लॉग व्लॉग। हाँ और ये आ गया हमारा मंदी बासित। मंदी नहीं, मंदी बासित, मंदी बासित, मंदी बासित। और ये हाफ है इतना सारा भाई। मैं तो ले खिला रहे भाई। तेरे को ना बहुत सवाब मिलेगा बुजुर्गों को खाना खिलाने। बहुत सवाब है देखो पता है। मेरे हाथ से नहीं खाए ना तू? खाऊंगा मैं, देख लूंगा। तो माशाल्लाह खाना बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा खा के। बट अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। उबेद भाई को थोड़ा सा हाथ में पेन हो रहा है तो हम लोग निकल रहे हैं। ये अभी ये दोनों जाएंगे कुर्ला, उबेद भाई को वहाँ छोड़ेंगे, फिर वहाँ से कैब पकड़ के जाएंगे। खाना अच्छा था? अच्छा था। तो फ्री का मिलता था, अच्छे लगते हैं। खाने खाने के अलावा भी ऐसे भी मिलो, खाने के लिए मत मिलो। अभी तीन चार दिन के लिए जाते कहीं भाई? दुकान तो चालू नहीं है करना तुम्हारा वहाँ पे? बोल नहीं सकता, 25 के बाद। इतना सारा पेन किलर खिला तुम एक साथ? तो इरिन के लिए मैं बनाना लेकर आया हूँ और उसको मिलने के लिए आया। एक्चुअली मैं पता नहीं खाया नहीं खाया सुबह से, क्योंकि इसका डेली का मैंने इसको एक चस्का लगा दिया। एटलीस्ट 3 के लिए तो खाता ही खाता है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो खाता ही है। हेलो, जा जल्दी केला ले, ले क्या निकाल, ला खोल के देता हूँ। दो निकाल के। हाँ
ला मुझे देख दे तुम वो खाओ। वाह वाह चप्पल अप्पल पहने कहाँ जा रहे हैं? गार्डन बाय 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 किसी दे बाय प्लैंकिश प्लैंकिश उधर उधर वहाँ दे जाओ 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 तुम जाओ गार्डन भागो टाटा बाय इरेन बाय जा जा जा। तो इरेन तो गया गार्डन जाकर अभी खेलेगा एक दो घंटा मचा के आएगा और मैं तो पसीने में लथपथ हो रहा हूँ। मैं घर जाता हूँ और ये वीडियो को एडिट करके डालता हूँ और आज मैं उठकर जिम नहीं गया इसलिए मुझे शाम में जाना पड़ेगा। हाँ मैं जा ही रहा हूँ तो मतलब एक महीने बाद मेरे दोस्तों से मिलूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना। और उबैद भाई हमारी बहुत मस्ती होती ही रहती है ऐसी, और मैं इनको टुंडा भाई बोल कर इसलिए ज़्यादा चिढ़ाया रहा था क्योंकि जब मैं स्कूटर से गिरा था एक बार बीच में तभी बहुत हंसे थे। उसके बाद में जब मैं मेरा वो हुआ था एक माले से मैं पर से नीचे गिरा था मुझे बहुत जोर की लगी थी। पहले तो बहुत केयर किया उसके बाद में जो मुंह फाड़ के हंसे हैं ना वो मेरे पे तो सारा बदला निकाला है मैंने। अभी थोड़े दिन बाद वापस मिलेंगे तो और खिल्ली उड़ेगी। वो खुद मौका नहीं छोड़ता हम क्या छोड़े। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।